हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेसन हमने रिवीजन भी कंप्लीट कर लिए थे। थ्री वीडियो मैंने आपको रिवीजन के भेजे हैं। फर्स्ट वीडियो में रिगार्डिंग बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के पूरे डिफरेंसेस और तीनों के फीचर्स वगैरह को अपन ने डिटेल से देखा था। सेकंड वीडियो आपका पूरा इंडस्ट्री से रिलेवेंट था और थर्ड आपका ट्रेड एंड रिस्क उससे रिलेवेंट था। तो अभी तक भी मैं व्यूज़ देख रहा था तो काफ़ी बच्चों ने अभी तक इनको कंप्लीट नहीं किया है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी एक बार पहला लेसन जो हमने कंप्लीट किया है इसको ढंग से आप पढ़ें, और अगर आपने शुरू में ढंग से पढ़ लिया तो उसके रिवीजन एक बार ज़रूर आप देखें ताकि आपके पूरे चैप्टर के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। और वैसे भी जब फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट होगी हम पूरे चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे, लेकिन स्टूडेंट रिवीजन की इंपॉर्टेंस तभी है जब आप लोग इन चीज़ों को अभी थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे। अभी साथ साथ में पढ़ते रहेंगे तो आपको रिवीजन में बहुत इंटरेस्ट आएगा और आप मान के चले सब्जेक्ट में कमांडिंग हो जाएगी। काफ़ी बच्चे अभी भी ये सोच रहे हैं कि क्या है, फेस टू फेस क्लासेस चलेगी, वापस रिवीजन होगा तब हम पढ़ लेंगे, लेकिन आप मान के चलें कि 60-70% बच्चों ने पढ़ लिया और 30-40% में आप आ गए जिन्होंने आपने नहीं पढ़ा। तो बेटा जो 60-70% पढ़ चुके हैं वो रिवीजन कर रहे होंगे तो उनकी स्पीड और उनके कंसेप्ट आपके कंपेयर में बहुत स्ट्रांग होंगे। तो कहीं भी आप केयरलेस ना रहें, रूटीन में जो हमारी क्लासेस उनको पढ़ते रहें। अगर किसी जगह दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप लोग वीडियो को वापस देखें। फिर भी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमारे जो स्टाफ है रिप्रेजेंटेटिव उनको मैसेज करें कि हमें किसी तरह के डाउट्स हैं, हमें कोई प्रॉब्लम पूछनी है। टीचर्स के नंबर सबके आपके पास हैं स्क्रीन पर, जब भी हमारी क्लास रिकॉर्ड होती है टीचर्स के नंबर लिखे होते हैं तो आप उन नंबर पर टीचर से बात करें। फिर भी अगर आपके पास कोई टीचर के नंबर नहीं है और आपको चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी में आप पढ़ते रहें तभी जाकर आपके लिए सारी चीज़ें स्मूथली चल पाएगी। आज हम फर्स्ट लेसन के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। इन क्वेश्चन की पीडीएफ शीट हम ग्रुप में पोस्ट कर देंगे और जो क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखे जाते हैं, कैसे केस स्टडीज आती हैं वो एक तरह से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, एक तो होता है बेटा क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट कैसे कि बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है एक्सप्लेन करो, तो जो 7-8 पॉइंट आपको बताए गए वो आपको लिखना है। आपको बोला गया फीचर्स ऑफ बिजनेस क्या हैं, फीचर्स ऑफ प्रोफेशंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री क्या हैं, रिस्क कितने तरह की होती है, ट्रेड के टाइप्स क्या हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ध्यान रखने हैं। ट्रेड से रिलेवेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड क्या होगा, तो दो तरह के होंगे, एक तो आपका होम ट्रेड और एक फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड के 3 पार्ट्स एंड फॉरेन ट्रेड के भी 3 पार्ट्स, और तीनों में अंदर दो दो तीन तीन लाइन आपने लिख दी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। इंडस्ट्री के बारे में आपको पूछा गया, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एक्सप्लेन करो, तो जो भी उसके अंदर के सारी चारों पार्ट है वो सब आपको लिखने। तो बच्चों डायरेक्ट इंडस्ट्री में तो आपको सिंपल लर्न करना है, उसमें कोई ज़्यादा आपको नहीं करना, सीधा सीधा आंसर लिखना है। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ ये प्रैक्टिकल केस स्टडी है। थोड़ा सा केस स्टडी मतलब आपको आइडिया लगाना कि कौन सा टॉपिक होगा और इसका आंसर कैसे लिखना है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई डज बिजनेसमैन गेट रेडी टू टेक रिस्क। बिजनेसमैन रिस्क क्यों लेना चाहता है? मैंने आपको कहा था कि रिस्क बिजनेस में होती है, और एक हमारा जनरल रूल है कि मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन। तो बिजनेसमैन रिस्क क्यों लेना चाहता है? फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। क्योंकि अगर वो रिस्क लेगा तो उसे फ्यूचर में प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, और अगर वो रिस्क नहीं लेगा तो फ्यूचर में प्रॉफिट होने के चांस भी कम होंगे। तो व्हाई डज अ बिजनेसमैन गेट रेडी टू टेक रिस्क? तो बिजनेसमैन गेट रेडी टू टेक रिस्क बिकॉज एज अ रिजल्ट ऑफ टेकिंग रिस्क ही अर्न प्रॉफिट। द मोर द रिस्क इन बिजनेस मोर इज द प्रॉफिट इज टू बी अर्न। तो सिंपल सी बात है कि मोर रिस्क मोर गेन, मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन। अगर आप रिस्क कम लोगे तो गेन कम होगा, रिस्क ज़्यादा लोगे तो गेन भी ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, मोर रिस्क इन बिजनेस मोर इज द प्रॉफिट टू अर्न। बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। फिर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मिस्टर रोहित इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ही हैज फुल नॉलेज ऑफ ऑल द फीचर्स ऑफ बिजनेस। उसको बिजनेस के सारे फीचर्स पता है। ही इज एडवाइजिंग वन ऑफ हिज फ्रेंड दैट बिजनेस इज अ बेड ऑफ रोजेज, और उसने अपने फ्रेंड को बोला है कि बिजनेस तो बेड ऑफ रोजेज है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है,
जिसको अपन अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं सब कुछ हरा ही हरा है, सब कुछ फायदा ही फायदा है. सो देर इज नो हार्म इन द अडॉप्टिंग इट एज करियर. तो एज ए करियर अगर हम बिजनेस करते तो कोई नुकसान है ही नहीं. उसको बिजनेस के फीचर्स पता थे तो उसने अपने फ्रेंड को ये स्टेटमेंट दिया. क्या आप रोहित के इस स्टेटमेंट से एग्री हैं? नो. व्हाई? बिजनेस हमेशा बेड ऑफ रोजेज ऐसा नहीं है. बिजनेस में रिस्क भी है. कहीं ना कहीं अपन बात करें तो लॉसेज होने की पॉसिबिलिटीज भी हैं. तो क्या आंसर होगा? देखिए, नो, रोहित एडवाइज इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. बिकॉज इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज नो डाउट टू अर्न प्रॉफिट, बट अलॉन्ग विथ प्रॉफिट देयर इज ए ग्रेट रिस्क इन्वॉल्व इन इट इज ऑल्सो. हेंस कॉलिंग बिजनेस ए बेड ऑफ रोजेज इज रॉन्ग बिकॉज देयर इज मे बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्क. लॉसेज हो सकते हैं, प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन रिस्क होने के चांसेस भी बराबर है. तो उस स्टेटमेंट से हम एग्री नहीं है. इन क्वेश्चंस को करने के पहले बेटा नोट्स अपने साथ में रखें, ताकि बाय द वे आपको फोन थोड़े नजर नहीं आ रहे हो तो आपके लिए ठीक रहेगा. तो नोट्स साथ में देखते रहे. थर्ड क्वेश्चन क्या? देखो, प्रॉफिट इज नॉट ओनली एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस बट इट इज नेसेसरी ऑफ बिजनेस ऑल्सो, नेसेसिटी ऑफ बिजनेस ऑल्सो. आर यू एग्री विद द स्टेटमेंट? गिव वन रीजन इन फेवर ऑफ योर आंसर. प्रॉफिट इज नॉट ओनली एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. केवल प्रॉफिट अर्न करने ही बिजनेस का टारगेट नहीं होता, बल्कि और भी चीज़ें होती हैं जो आपको बिजनेस में टारगेट होता है. तो आपके बिजनेस के और क्या ऑब्जेक्ट हैं? तो अदर ऑब्जेक्ट और लिखने हैं. एक ऑब्जेक्ट तो लिख दिया, बट अदर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? लॉन्ग सर्वाइवल, रैपिड ग्रोथ हो, बिल्डिंग अ प्रेस्टीज, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, ये भी आपके टारगेट होते हैं. तो केवल प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस का टारगेट नहीं होता, सोशल ऑब्जेक्ट भी होते हैं. आपके ग्रोथ भी करनी है आपको. ऐसा नहीं कि अभी कोई गुड्स खरीदा, बेच दिया, प्रॉफिट कमा लिया, दैट्स इट. नहीं, लॉन्ग टर्म चीज़ें चलें, इनका आपकी एफिशिएंसी बढ़े, ये भी आपके टारगेट्स होते हैं. तो ये बेटा वन मार्क के क्वेश्चन थे. अब एक फोर मार्क्स का क्वेश्चन देखिए. टू विच ऑक्सिलरी टू ट्रेड इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मैंने आपको चार पांच चीज़ें बताई थी कि रिस्क से बचना है तो इंश्योरेंस के पास जाओ. इन्फॉर्मेशन इन बिजनेस, अगर आपको कहीं ना कहीं अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी एडवर्टीजमेंट करना है तो आप एडवर्टीजमेंट के पास जाओ. बिजनेस कांट बी रन विदाउट फंड्स, फंड्स की ज़रूरत है तो बैंकिंग के पास जाओ. और अगर आपको दूर के किसी जगह से गुड्स खरीदना है तो गुड्स कौन ला के देगा आपको? ट्रांसपोर्ट. तो ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी. हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ फंड्स, इनकी अगर प्रॉब्लम है तो फंड्स की ज़रूरत है तो बैंक के पास जाना है. गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो तो ट्रांसपोर्टर के पास जाना है. इन्फॉर्मेशंस को हमको सर्कुलेट करना तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास जाना है. तो ये सारी चीज़ एक तरह से इसमें होगी. फिर देखिए, प्रवीण एंड अजय, टू फ्रेंड्स, बोथ ऑफ देम आर डूइंग डिफरेंट बिजनेस. प्रवीण बिजनेस इज फेसिंग चेंजेस इन द फैशन एंड चेंजेस इन द प्राइस एंड ही इज ऑल्सो वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ टफ कॉम्पिटिशन. On the other hand, there is a great hurdle is there in Ajay's business because of the dishonesty of employee and dishonesty of customer and strike and lockouts. दो friends हैं, दोनों ने business किया. एक किससे परेशान है? Technology में change हो गया, fashion में change हो गया, और fashion में change है तो हमारा business बहुत problem में आ गया. और दूसरा friend परेशान है कि हमारे customer honesty से काम नहीं कर रहे हैं, हमारे customer जो हैं employee वो honesty से काम नहीं कर रहे हैं, हमारे स्ट्राइक वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है. तो आपको क्या बताना है? पॉइंट आउट द टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क. ये बताओ कि ये जो फ्रेंड्स हैं ये कौन सी रिस्क एक तरह से इनकी चल रही है. तो प्रवीण इज सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक कॉज. जो हमने पढ़े थे नेचुरल कॉज, बाढ़ आना, अकाल आना, अर्थक्वेक वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई, ये नेचुरल कॉजेज में. इकोनॉमिक कॉजेज क्या है? चेंजेज इन फैशन, चेंजेज इन टेक्नोलॉजी, ये इकोनॉमिक कॉजेज है. और ह्यूमन कॉजेज क्या है? एम्प्लॉय स्ट्राइक पर चले गए, कस्टमर पैसा नहीं दे रहे हैं, हमारे यहाँ एम्प्लॉय चोरी कर रहे हैं, थेफ्ट कर रहे हैं, तो ये सब ह्यूमन कॉजेज है. तो अजय की प्रॉब्लम ह्यूमन कॉजेज रिस्क है और प्रवीण की प्रॉब्लम इकोनॉमिक कॉजेज वाली रिस्क है. ओके, फिर देखिए एक क्वेश्चन है. रोहित हेड सम सच बुक्स एज वर रेयर इन द मार्केट.
रोहित के पास कुछ बुक्स मार्केट में रेयरली मिलती है. वन ऑफ हर फ्रेंड्स नीडेड दोज बुक्स. राखी सोल्ड आउट ऑल दोज बुक्स एट हर रिस फ्रेंड रुपीज 5,000 एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,000. कैन दिस एक्टिविटी ऑफ यस टू बी कॉल्ड ए बिजनेस. अब आपको ये तो पता क्या, ये बिजनेस तो नहीं. मेरे पास पुरानी बुक्स पड़ी हुई, एंटिक बुक पड़ी हुई, रेयर बुक मार्केट में अवेलेबल है, मेरे पास पड़ी हुई है, और मैंने अपने फ्रेंड को 1,000 रुपये प्रॉफिट कमा के बेच दी. तो बताओ क्या मैं इसे बिजनेस मानूंगा? नहीं. क्यों नहीं मानेंगे? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो बेटा बिजनेस में एक बात आपने पढ़ी थी, रेगुलरिटी इन डीलिंग. मैंने एक एग्जाम्पल दिया था अगर आपको याद हो, कि पुराना स्कूटर मेरे पास पड़ा था, मैंने बेच दिया, प्रॉफिट कमाया, ये मेरा बिजनेस नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि रेगुलरिटी इन डीलिंग नहीं है. तो बिजनेस में क्या जरूरी होता है? रेगुलरिटी इन डीलिंग जरूरी होता है. तो यहां जो हम बात करेंगे, तो एक्टिविटी ऑफ सेलिंग बाइंग बिटवीन राखी एंड हर फ्रेंड्स कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए बिजनेस. ये तो हो गया, बट रीजन क्या है? एक्टिविटी ऑफ सेलिंग एंड बाइंग कैन बी कॉल्ड बिजनेस ओनली व्हेन इट टेक्स रिपीटली और फ्रिक्वेंटली और रेगुलरली, तो वो बिजनेस होता है. सिंगल टाइम आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, वो कोई बिजनेस में नहीं आएगा. सिंस हियर द रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग बिजनेस इज एबसेंट, सेलिंग एंड बाइंग कैन नॉट बी इंक्लूड इन द क्लास ऑफ बिजनेस. ये एक तरह से आपके बिजनेस में इंक्लूड नहीं होंगे. ओके बच्चों, फिर देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन टू बिजनेस. कि ये प्रोफेशन है, बिजनेस है या एम्प्लॉयमेंट है, ये आपको बताना है. पहला, मोहन इज सेलिंग बुक्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर. मोहन इज सेलिंग बुक्स ऑन बिहाफ ऑफ अर एम्प्लॉयर. तो बेटा आप कहीं नौकरी कर रहे हो और आप उसकी बुक्स बेच रहे हो, तो ये एम्प्लॉयमेंट हो गया. रीता इज प्रैक्टिसिंग लॉ, ऑफिस है खुद का, नौकरी नहीं कर रही है, प्रोफेशन हो गया. रतन इज रनिंग प्राइवेट क्लिनिक, प्रोफेशन हो गया. और कार्ट वेंडर इज सेलिंग टॉयज इन फेयर, खुद अपने जो टॉयज वगैरह सेल कर रहा है, तो वो अपने आप में बिजनेस हो गया. तो ये सारी चीज़ें एक तरह से इसमें आ गई. फिर देखिए, ये हमको बताना कि ये एक्टिविटी इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक है. प्रॉपर्टी डीलर इज परचेजिंग ए हाउस फॉर हिमसेल्फ, नॉट फॉर सेल, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. डॉक्टर इज गिविंग हिज सन ए मेडिकल ट्रीटमेंट, नॉन इकोनॉमिक्स. मनी अर्न करना पर्पज नहीं है, खुद के यूज के लिए चीज खरीदी, खुद के बेटे का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मनी अर्न करना पर्पज नहीं है. सेलिंग टी ऑन रेलवे स्टेशन, मनी अर्न करना पर्पज इकोनॉमिक है. और प्रॉपर्टी डीलर इज बाइंग ए हाउस फॉर समवन ऑन कमीशन, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. तो बच्चों, ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे जहाँ हमको आइडिया लगाना था कि बिजनेस है नहीं है क्या है, वो सारी चीज़ें एक तरह से आ रही है. और एक क्वेश्चन और है, बहुत सिंपल सा है, कि राधिका कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के काम में लगी हुई है, और कंस्ट्रक्शन के काम में लगी हो कोई भी इंडस्ट्री, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री है. प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव, वो प्राइमरी है. मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री है. तो कंस्ट्रक्शन का काम कर रही कंपनी, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री है. और दूसरा, उसने 100 ट्रक्स खरीदे हैं जो मटेरियल को इधर उधर ले जाने का काम करेंगे, तो वो टेरिटरी इंडस्ट्री है या सर्विस इंडस्ट्री है. तो बेटा इंडस्ट्री 3 तरह की थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी. जहाँ जेनेटिक या एक्सट्रैक्टिव, जमीन से कोई ऑयल निकल रहा है, एनिमल हस्बेंड्री का बिजनेस है, पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस है, वो सब प्राइमरी इंडस्ट्रीज हैं, वो सब प्राइमरी है. जहाँ पर आपका पर्पस, जहाँ पर आपका कहीं ना कहीं जो पर्पस है, मैन्युफैक्चरिंग करना, कंस्ट्रक्शन करना है, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री है. और जहाँ आपका पर्पस सर्विस देना है, वो टेरिटरी इंडस्ट्री है. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर अपने आप में इसमें थे. अब देखिए एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन, मल्टी इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड इज ए बिग कंपनी ऑफ प्राइवेट सेक्टर. इट प्रोड्यूस सेवरल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक शुगर केन, कॉटन एटसेट्रा. कंपनी यूजेस ऑल ऑफ इट्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज द रॉ मटेरियल इंस्टेड ऑफ सेलिंग देम इन द मार्केट. बेटा कंपनी जमीन से शुगर केन उगाती है और उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करके शुगर बनाती है. और कंपनी एस्टैब्लिश इट शुगर एंड द क्लॉथ मिल एट प्लेस वेयर द पीपल वर वेरी मच वरीड ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट. इन दिस वे कंपनी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 500 लोकल पीपल्स. बिसाइड द कंपनी पेड ए स्पेशल अटेंशन टू ग्रीनरी ऑल अराउंड इट्स फैक्ट्री.
कंपनी बिजनेस इज ग्रोइंग फास्ट, दो काम कंपनी कर रही है, पहला काम शुगर कैन उगाना और दूसरा काम उससे शुगर बनाना। तो बताओ विथ सब टाइप ऑफ इंडस्ट्री आर रिलेवेंट, एक्सट्रैक्टिव एंड प्रोसेसिंग, दो तरह की काम कंपनी कर रही है। पहला आंसर क्या होगा, एक्सट्रैक्टिव, जमीन से निकाल कर अगर आप कोई भी चीज़ करेंगे, जमीन से ऑयल निकाल रहे हैं, लाइमस्टोन निकाल रहे हैं, कुछ भी चीज़ निकाल रहे हैं, शुगर कैन उगाया जा रहा है, ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आ गया। और फिर कंपनी उससे शुगर बना रही है तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री है, लेकिन सेकेंडरी में भी कौन सी, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये एक तरह से अपने को आंसर लिखने होते हैं। तो ये चीज़ जो बेटा होती है हमारी, एक तरह से केस स्टडी से रिलेवेंट सारी चीज़ें हो गई। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट। तो ये हमारा लेसन फर्स्ट था। फ्रॉम टुमारो हम क्लास स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 2, और वो जो हमारी क्लास है वो केवल और केवल हमारे ऐप पे आएगी, व्हाट्सएप पर हम उस क्लासेस को एक तरह से अपलोड नहीं करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट, थैंक यू।